जो अलबेला है ना, ई तुम लोगन का बेला गुलाब चमेली समझ कर ना तुम्हारी खुशबू चूस लेगा। तो तुमसे कहा हमें पता है कि हमें किसके सामने सलवार खोलनी है और किसके सामने गिट्ठा बांधना है, समझे कि नहीं? दोस्तों जब से वेब सीरीज का ट्रेंड चला है लोग मूवीज को भूलते जा रहे हैं। इन वेब सीरीज में हमें वो सब देखने को मिलता है जो मूवीज में नहीं होता। इन वेब सीरीज में गाली गलौज और 18 प्लस सीन तो दिल खोल कर परोसा जाता है। आज हम आपको ऐसी इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप हिंदी वेब सीरीज कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बाप को देखो बादाम पे ले जा रहा है और एक बेटा है, जब देखो तब टाइम टाइफिस हो जाता है। काश बेटा भी बाप के इतना मलंग होता, मजा ही कुछ और होता। नंबर वन क्लास। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल मिडिल क्लास लड़के से जो कि एक हायर क्लास के स्कूल में पढ़ने जाता है और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो किस तरह से स्कूल में अपने आप को एडजस्ट करता है, इवन वहाँ के बच्चे उसे किस तरह से टॉर्चर करते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस कम्प्लीट सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.2 की। हैम्पटन इंटरनेशनल दिल्ली का सबसे महंगा सबसे टॉप स्कूल, अजीब से परिवारों के बिगड़े बच्चे, मैंने जिंदगी में ऐसा स्कूल नहीं देखा था। नंबर टू सुडल द वर्टेक्स। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक सिंपल मर्डर केस से, लेकिन इस सिंपल मर्डर केस बाद में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। इवन इस सीरीज की सबसे बड़ी बात इसके एंडिंग में है, क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें रिवील होगी जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीरीज की स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8.2 की। साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई, अब जब ये फैक्ट्री जली है एक और लड़की गायब है। नंबर तीन पिथा काली। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट एक छोटे से गांव से शुरू होती है और इस छोटे से गांव में एक छोटे से कंपटीशन को लेकर एक अच्छी खासी क्राइम को भी अंजाम दी जाती है। इसी बीच इस सीरीज में एक ऐसी फैमिली दुश्मनी को दिखाई जाती है जो कि आपको सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज में पॉलिटिकल क्राइम से लेकर रिवेंज तक हर एक चीज दिखाने की कोशिश गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं आ ओरिजिनल पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8.4 की।